फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा। चिकन कोरमा बनाने के लिए चिकन लेंगे और प्याज को सबसे पहले काट देंगे। सारे प्याज को काट लेंगे। कोरमा बनाने के लिए प्याज कट गया। प्याज को अब ब्राउन कर देंगे तेल में डाल करके। कढ़ाई गर्म हो गया, डाल देंगे तेल। तेल गरम हो गया, डाल देंगे कटी हुई प्याज। प्याज में डाल देंगे नमक। प्याज को ब्राउन होने देंगे। प्याज ब्राउन हो गया, गैस बंद कर देंगे। प्याज को 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद से बनाएंगे। ठंडा हो गया प्याज, डाल देंगे चिकन। कोरमा में डाल देंगे दही। डाल देंगे नींबू का रस। डाल देंगे कोरमा मसाला। नमक, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च जीरा का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको अब मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आधा घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, फिर बनाएंगे। आधा घंटा हो गया, गैस ऑन कर देंगे। डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। चिकन कोरमा को अब भुनेंगे इसी में। चिकन कोरमा भुनने के टाइम डाल देंगे चिकन मसाला, फिर भुनेंगे। मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो गया, ढक्कन खोल देंगे। चिकन को भूनेंगे। चिकन कोरमा भुना के है, डाल देंगे धनिया पत्ती। चिकन कोरमा बन के रेडी है।